हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट हाउ डू वी यूज नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर आप एक और इफ कंडीशन कैसे लेते हो वो हम देखेंगे। तो इधर अगेन मैंने HTML की फाइल ली है, आप HTML स्टार्ट करोगे, हेड स्टार्ट करोगे, ठीक है, और हेड के अंदर, हेड के बाद मैं बॉडी ले रही थी, ठीक है। सो बॉडी के अंदर मैं स्क्रिप्ट लिखने वाली हूँ। तो स्क्रिप्ट, आप जावा स्क्रिप्ट का फाइल लिख रहे हो, सो जावा स्क्रिप्ट इधर आ गया, ठीक है। अभी मैं इधर स्टार्ट करती हूँ लिखने, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक कॉन्स्ट के थ्रू वेरिएबल ले रही हूँ, वेरिएबल का नाम मैंने नम लिया है, एंड आई वॉन्ट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो यूजर को एक प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू आई एम गिविंग अ मैसेज टू द यूजर, सो यूजर विल एंटर द नंबर इन दैट बॉक्स, ठीक है, एंटर अ नंबर। ये मैंने यूजर को एक मैसेज दे दिया, एक बॉक्स आएगा, उसमें यूजर अपना नंबर एंटर कर सकता है और वो वैल्यू असाइन हो जाएगी नम को, ठीक है। नम मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है। अभी मैं इधर इफ कंडीशन लगाऊंगी, आई वॉन्ट टू चेक वेदर द वैल्यू एंटर्ड बाई द यूजर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये मैं चेक करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये भी इधर मैं कमेंट कर देती हूँ, चेक इफ द एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ये हमें चेक करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया है वेदर इट इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये ग्रेटर है क्या जीरो से या बराबर, ठीक है। अगर ऐसा है तो इट विल कम इनसाइड दिस इफ। नाउ आई एम चेकिंग वेदर द नंबर इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नंबर यूजर ने एंटर किया है तो मैं क्या करूंगी, आई कैन गिव अ मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और मैं क्या मैसेज दे सकती हूँ, यू हैव एंटर्ड जीरो, ओके, यू हैव एंटर्ड नंबर जीरो, ये मैंने दे दिया यूजर को मैसेज, ठीक है। तो इफ हो गया, अगर यूजर ने नंबर, मतलब जो नंबर एंटर किया है वो जीरो से तो बड़ा है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में मैं क्या मैसेज दे सकती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। अगर यूजर ने नंबर जो एंटर किया है, ठीक है, वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं तो फिर क्या पार्ट आ जाएगा, इफ पार्ट खत्म, इसके बाद आएगा हमारा एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में हम क्या दे सकते हैं कि आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं किया तो आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया है ना। सो वी विल गिव अ मैसेज टू यूजर, यू entered a negative number, okay, you entered a negative number, ये हो गया। हम यही चेक करना चाह रहे थे कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो, ठीक है। तो हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आई विल रन इट, ओके। सबसे पहले तो इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू एंटर अ नंबर पूछा, ठीक है। सो आई एम एंटरिंग अ नंबर दैट इज 5, सो यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज द रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम माई प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज द आउटपुट, यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मैंने क्या एंटर किया था, पॉजिटिव नंबर एंटर किया था, आपने देखा 5 एंटर किया था मैंने, तो ये चेक कर रहा है 5 जीरो से बड़ा है, इधर आया वो, ठीक है। 5 इज 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, सो इट विल कम इनसाइड दिस। नाउ इट विल चेक
कि 5 जो वैल्यू मैंने एंटर की वो 0 है क्या, तो 0 तो नहीं है, तो इधर नहीं लगेगा, इफ कंडीशन नहीं लगेगी। कौन सी कंडीशन लग रही है? इधर एल्स वाला कंडीशन लग रही है। ठीक है, सो यू एंटर द पॉजिटिव नंबर आ गया। अगर मैंने इधर जो नंबर एंटर किया होता, ठीक है, आई एम रनिंग इट अगेन, ओके, एंड आई एम गिविंग इट अ नेगेटिव नंबर -6। ठीक है, सो यू एंटर द नेगेटिव नंबर, क्यों? क्योंकि मेरा नंबर जो है वो ग्रेटर और इक्वल 0 नहीं है, वो लेस देन 0 हो रहा है, तो एल्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सो इधर आपने देखा इफ के अंदर इफ यूज किया है मैंने, सो दिस टाइप ऑफ नेस्टिंग इज नोन एज नेस्टेड इफ। ठीक है, इफ के आप ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम इसके थ्रू बना सकते हैं, सो आप प्रैक्टिस कीजिए और दूसरे प्रोग्राम भी बना के देख लीजिए।